ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا لأول ، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफी तलब करते हैं हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अजो जल के ख़ुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ़ अल्लाह है और उसका कोई शरीक नहीं और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर और उनके अहल आयाल पर और उनके सहाबा पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु आज हम सिक्स्थ पारा शुरू करेंगे इस पारे का आगाज़ अल्लाह की पसंद और नापसंद से है जो अल्लाह को नहीं पसंद वो क्या है दूसरों की बुराइयाँ सरेआम चर्चा करना दूसरों की बुराइयों को सरेआम चर्चा करना यानी पब्लिक कर ली उनकी बुराई करना आज बहुत सारे लोग जो है सो दीन के नाम पे इबादत तो करते हैं लेकिन इंसानी मामलों में नाकाम हो जाते हैं तो याद रखिए हकूक़ल्ला और इबाद इम्तिहान के दो पर्चे हैं यानी दो पेपर्स हैं दोनों में पास होना लाजिम है इसके बाद जो है सो अल्लाह ने खूबसूरत तरीक़े से दीन में रसूलों के मुक़ाम को वाज किया है और इसके साथ ही साथ बने इसराइल के कुछ वाकयात पेश करके हम सब को ये सबक दिया है कि जब खाओ हाँ में जो है सो अल्लाह की भेजी हुई हिदायत को कबूल करने के बजाय उस पर बातें बनाते हैं तो अल्लाह उन पर मोहर लगा देते हैं इसमें ईसा आल को कतल करने की कोशिशों का भी जिक्र है तो आइए चलते हैं पारे की तरफ नहीं पसंद करता अल्लाह ताला जाहिर करना खुल्लम खुला बुराई का बात में से मगर जो कोई जुल्म किया गया और है अल्लाह सुनने वाला जानने वाला इन आयतों में बेहतरीन अखलाक की तालीम दी जा रही है ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट हुक्म है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों की बुराई को सबके सामने आराम से बयान करते हैं ये कॉमन हो गया है और उसको बुरा भी नहीं समझते यानि गॉसिप चाहे किसी की ईबत हो ज़्यादती हो सबको बताते हैं और उसमें जो है सो बिल्कुल बुराई भी नहीं समझते अल्लाह ताला का फरमान है क्लियर है क्या है अगर किसी पे जुल्म हुआ तो उसकी बात सुनाए तो उसको रुखसत है लेकिन ऐसे शख्स को सुनाए जो मशवरा दे सकता है और उसके हक़ में फ़ैसला कर सकता है या कोई अच्छा अच्छी बात कर, बता सकता है या कोई अच्छे उसको गाइड कर सकता है तो उसके अलावा कोई भी बुराई को पब्लिकली बयान नहीं करना है ऐसे ही किसी के सामने जाके किसी के सामने बुराई नहीं करना है लेकिन कोई मैटर को सॉल्व कर सकता है जो जुल्म हुआ उस उस मैटर को जो सॉल्व कर सकता है उसको ये बात बता बोल सकते हैं लेकिन जस्ट खाली बुराई फैलाने के लिए किसी की बुराई नहीं करना है या फिर किसी के गुस्से की खातिर या गुस्से में आकर किसी पर गुस्सा है तो उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं या फिर उसको बेज़ती के नियत से उसके बारे में बुरे बुरे बातें करते हैं ये नहीं करना चाहिए अगर तुम जाहिर करोगे नीकी या तुम छुपाओगे उसको या तुम दरगुजर करो बुराई से तो बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वालात रखने वाला है तुम सामने वाले को माफ़ करोगे तो अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ़ करेंगे बेशक वो लोग जो कुफ़्र करते हैं अल्लाह से और उसके रसूलों से और वो चाहते हैं कि वो तफरका करें अल्लाह के दरमियान और उसके रसूलों के और वो कहते हैं हम ईमान लाते हैं साथ बास के और हम कुफ़्र करते हैं बास का और वो चाहते हैं कि वो जो बना ले दरमियान इसके कोई रास्ता अब यहाँ पर अल्लाह अहले किताब की बात आ गई तमाम रसूलों पे ईमान होना ज़रूरी है किताबों पर फ़रिश्तों पर सब पे ईमान लाना ज़रूरी है कुछ पे ईमान लाएंगे और कुछ पे नहीं तो ये ईमान एक्सेप्ट नहीं होगा यही लोग वो काफिर है पक्के और तैयार किया हमने काफिरों के लिए अजाब रसवा करने वाला यानी कुछ पे ईमान लाए फिर पहले किताबों पे नहीं लाए फिर बाद लाए बाद की किताबों पे लाए या बाद की किताबों पे लाए और पहले के रसूलों पे नहीं लाए तो यानी ये ईमान एक्सेप्ट नहीं होगा ये बात पिछले हयात में बताया गया अब यहाँ पर यह है कि तकबर को अल्लाह ताला तस्वाई यानी आप पे ईमान क्यों नहीं लाए क्योंकि उनको तकबर था तो ये तकबर की वजह से अल्लाह ताला उनके ऊपर रसवा करने वाला अजाब देंगे और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और नहीं उन्होंने तक तफरिका किया दरमियान उनमें से किसी एक का यही लोग देगा उनको उनके अज़र और है अल्लाह गफ़ुररहीम अक्सर लोग समझते कि अल्लाह अल्लाफ़रहिम हैं लेकिन अल्लाह किसके लिए गफ़ोर रहीम है जो ईमान कंप्लीट लेके आए और अमल करते हैं कोई छोटे गुनाह हो जाए तो उनके लिए गफुरुर रहीम है यानी पूरा अमल करते ईमान लाते उनसे छोटे मोटे कोई गुनाह हो जाते तो उनके लिए रहीम है हम गुनाह पे गुनाह करते जाएं और अमल कोई नहीं करेंगे आराम से बैठे रहेंगे फिर अल्ला रहीम ये नहीं हो सकता वो पूछते हैं आपसे मुतालबा करते हैं अहले किताब ये के तू उतार लाए उन पर एक किताब आसमान से तो तहक़ीक उन्होंने सवाल किया था मूसा सलाम से इससे ज़्यादा बड़ा तो उन्होंने उन्होंने कहा दिखाइए हमको अल्लाह सामने बस पकड़ लिए पकड़ लिया उनको बिजली ने उन उनके जुल्म की वजह से फिर उन्होंने बना लिया बछड़े को इसके बाद तो आ गई उनके पास खुली निशानियां तो माफ़ कर दिया हमने उसको और दी हमने मूसी सलाम को खुली दलील आप सलाम से मुआजात की मांग कर रहे थे तो जैसे मूसा सलाम से उनके फ़ोम ने मांग की थी तो अहले किताब ने आप सलाम से मांग की थी कि वो आसमान से लिखी हुई कोई किताब लेकर आए मूसा सलाम के कॉम क्या मांग ने क्या मांग किया था कि अल्लाह को ज़ाहिर देखने की ये सब हम पहले ले चुके और उठाया हमने उनके ऊपर कोहतूर को मीसाख लेने के लिए उनसे और कहा हमने उनको दाखिल हो जाओ दरवाज़े में सजदा करते हुए और कहा हमने उनको ना तजावज़ करो यानी हद से ना बढ़ो हफ़्ते के बारे में और लिया हमने उनसे पुख्ता अहद पक्का यहाँ पे अल्लाह ताला बनी इसराइल की बातें क्यों बता रहे हैं इसलिए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम बनी इसराइल की तरह ना हों उनको तौरात दी तो हमें कुरान दी वो लोग तौरात को छोड़ दिए उस पे अमल नहीं किए उसके ख़िलाफ़ गए तो उन पर लानत हुई तो अल्लाह यानी अल्लाह का गज़ब हुआ तो हमें ये हुक्म दिया जा रहा है कि कुरान पे अमल करो और मजबूती से पकड़ो वरना फिर अल्लाह की लानत होगी अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखें पस बवजह उनके तोड़ने के अपने अहद को और उनके कुफ्र के अल्लाह के आयत के साथ और उनके कत्ल करने को ना नबियों का ना हक और उनके कहने के दिल हमारा गिलाफदार है बल्कि मोहर लगा दी अल्लाह ने उन पर उनके कुफ्र कुफ़्र की वजह से पस नहीं वो ईमान लाएंगे मगर बहुत थोड़ा अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी क्योंकि उन्होंने अल्लाह की अल्लाह के अहद को तोड़ा और अल्लाह की आयतों का कुफ्र किया अम्बिया को नाहक कत्ल किया उन्होंने कहा कि हमारे दिल गिलाफ में हैं उनके कुफ्र की वजह से तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी मोहर लग लगती तो क्या होता है कोई चीज़ अंदर नहीं आ सकती है और ना कोई चीज़ बाहर जा सकती यानी कोई ख़ैर और हिदायत दिल के अंदर नहीं जा सकती और बवजह उनके कुफ़र के और उनके कौल के ऊपर मरीम आलाम के बहुतान बड़ा हज़रत मियम साम पे बदकारी का बहुतान लगाकर उन पर नौजबिल्ला ज़िना का इल्ज़ाम लगाया और ईसीम को वलुस्ना कहा और और उनके कहने के बेशक हमने कत्ल किया हमने मसीह को ईसा इब्ने मरीम को तो जो रसूल थे अल्लाह के हालांकि नहीं उन्होंने किया उसको कत्ल और नहीं उन्होंने सलीब चढ़ाया उसको लेकिन शुबा डाला गया उसको उनके लिए और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ़ किया उस बारे में अल्बत्ता शक में है उससे नहीं है उनके लिए इसका कोई इल्म, इल्म में से मगर पैरवी करना गुमान की और नहीं उन्होंने क़त्ल किया उसको यकीनन यकीनन तौर पर यानी सेकेंड टाइम कह रहे हैं अल्लाह ताला बल्कि उसको उठा लिया अल्लाह ने अपनी तरफ और है अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला और नहीं अहल किताब में से मगर अलबत्त ईमान ले आएंगे साथ उसके पहले उसकी मौत से और उस दिन क़्यामत और दिन क़्यामत के वो होंगे ऊपर गवाह ईसा आल क़त्ल नहीं हुए हैं और कई अहादि से ये साबित है कि ईसा आल सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे और उसके बाद शरीत मोहम्मदी को फ़ॉलो करेंगे उनकी शादी होगी फिर वो मौत होगी फिर उनके ऊपर यानी उनके ऊपर मौत भी आएगी वो दफन भी होंगे ये कई अहादि से साबित है यानी जब वो दोबारा आएंगे तो ईसीम के ऊपर ईमान लाएंगे जब उनको हकीकत पता चलेगी तो क्योंकि ईसा सलाम भी अभी भी, भी ज़िंदा है उनकी मौत नहीं हुई और दिन क़यामत के वो होंगे उन उन पर गवाह बस जुल्म के उन लोगों की तरफ से जो यहूदी हो गए हम हराम की हमने ऊपर पाकिजा चीज़ें हलाल की गई थी उनके लिए और बवजा उनके रोकने के अल्लाह के रास्ते से बहुत ज़्यादा यानी उनके ऊपर जो सख्तियाँ थी, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे यहूदियों के लिए किस लिए वो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और वो लोग जुल्म करते थे इस वजह से अल्लाह ताला ने कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स ऊपर रखे थे जैसे एग्जांपल हफ़्ते के दिन काम नहीं करना वगैरह वगैरह और मछलियाँ नहीं पकड़ना सिर्फ इबादत करना था उनको तो इस तरह से और उनके लेने के रिवा और तहकीक व रोके उससे और उनके खाने के माल लोगों के बातिल तरीक़े से और तैयार किया हमने काफिरों के लिए उनमें से दर्दनाक अजाब हमको भी सूद से रोका गया हमको भी बातिल तरीक़े से माल नहीं खाने से रोका गया आज तो इतना कॉमन हो गया है सूद लेना और देना दोनों हराम हैं हमारे माशरे में भी बातिल तरीके से माल खाना आम बात हो गई है खर्च लेते हैं और देते नहीं धोखे से किसी का भी माल ले खा लेते हैं देखिए आज इतना कॉमन हो गया धोखे से पूरा माल खा लेते हैं कितना अजाब आया यहूदियों के ऊपर इस चीज़ से नाप तोल में कमी किए तो वो धोखे से माल खाना है किसी चीज़ में मिलावट किए तो धोखे से माल खाना है कर्ज लिए वापस नहीं दिए वो भी धोखे से माल खाना है यतीम का माल विरासत में भाई बहन का आपस में एक दूसरे का विरासत में हक़ सही देते नहीं तो धोखे से माल खाना है ये सारी चीज़ें धोखे से माल खाने में आएगी लेकिन इल्म में से उनमें से और ईमान लाने वाले ईमान लाते हैं साथ उसके जो उतारा गया आपकी तरफ और जो उतारा गया आपसे पहले अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो लोगों के लिए निकाली गई है नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं हम ऐसी उम्मत होकर भी हम बुराई करते हैं बातिल तरीक़े से माल खाते हैं यानी यहाँ पर यहूदियों में और अहल किताब में भी कुछ लोग उनकी किताब पे ईमान लाने के बाद पहचान लेते हैं कि आप वसल्लम और उसके बाद वो भी मुसलमान हो जाते हैं और कायम करने वाले नमाज़ और देने वाले ज़क़़़त और ईमान लाने वाले अल्लाह पर और योम आखिरत पर यही लोग हम देंगे उनको अजर अज़ीम और बेशक हम वही कर वही की हमने आपकी तरफ जैसे कि वही की हमने तरफ़ नूह आ सलाम के और नबियों के इसके बाद और वही की हमने तरफ इब्राहीम के और इसमाल सलाम के और इसहाक सलाम और याक़ूब और या औलाद याक़ूबल और सलाम और ऐब सूनसम के और हारून आलम के और सलाम के और दी हमने दाऊद सलाम को ज़बूर अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं वही का उतरना वसल्लम के पास फ़र्स्ट टाइम नहीं है ये पहली बार नहीं था ये अल्लाह ताला का मैसेज पहले के अम्बिया कराम के पास भी आया यहाँ पे दाऊद सलाम का ख़ास जिक्र किया गया उनको ज़बूर अता की गई मूसा को तौरत अता की गई ईसी सलाम को इंजिल अता की गई यहाँ पे दाऊद सलाम का जिक्र है ज़बूर अता की गई और आपलम को कुरान ये चार किताबों का जिक्र कुरान में है और कई रसूल तहकीक जिक्र किया हमने उनका आप पर इससे पहले और कुछ रसूल नहीं हमने जिक्र किया उनका आप पर तो कुछ रसूलों का जिक्र है कुरान में ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव का और कुछ का जिक्र नहीं है कुरान में यानी थ्री हंड्रेड थर्टीन रसूलों का एक हदीस में जिक्र आता है वन लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड का जिक्र भी आता है और कुछ का जिक्र अल्लाह ने नहीं किया और कुछ का नाम लिए हैं और कुछ के नहीं लिए हैं कलाम किया अल्लाह ने सलाम से कलाम करना ये रसूल कुछ खबरी दे देने और डराने वाले ताकि ना हो लोगों के लिए अल्लाह पर कोई हजत बाद रसूलों के यानी लोग ये ना कहे कि हम तो हमको तो मालूम ही नहीं था कोई एक्सक्यूज़ ही नह, नहीं रहा अब अल्लाह ताला ने रसूलों को और किताबें नाजिल की और अम्बिया कराम को भेजा तो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और कोई ये नहीं कह सकता कि हमको मालूम ही नहीं और है अल्लाह ताला जबरदस्त हमत वाला आ, लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है साथ उसके जो जो उसने उतारा आप की तरफ आप गवाह है कि आप पे जो उतरा कुरान वो अल्लाह की तरफ से हक है सच है और अल्लाह की अल्लाह ही यानी गवाही अल्लाह ही अल्लाह की ही गवाही काफ़ी है क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद कह रहे हैं कि अल्लाह गवाही देता है यानी लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है साथ उसके जो उसने उतारा आपकी तरफ उसने उतारा अपने इल्म के साथ और फरिश्ते और गवाही देते हैं और काफ़ी है अल्लाह गवाह यानी अल्लाह ताला काफ़ी है गवाही के लिए बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया और रोका अल्लाह के रास्ते से तहकीक वो भटक गया गुमराह गुमराही दूर की यानी वो दूर की गुमराही में वो भटक गया जो अल्लाह के रास्ते से जो रोकते हैं और जो कुफ़्र करते हैं बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और जुल्म किया नहीं है अल्लाह के बख्श दे उनको और ना के हिदायत दे उनको रास्ते की आ, मगर रास्ता जहन्नुम का हमेशा रहने वाले उसमें हमेशा हमेशा और है ये बात अल्लाह पर आसान ऐ लोगों तो ते तहक़ीक़ आया तुम्हारे पास रसूल हक़ के साथ तुम्हारे रब की तरफ से बस ईमान लाओ अच्छा है तुम्हारे लिए और अगर तुम कुफ्र करोगे तो बेशक अल्लाह के लिए है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है और है अल्लाह ताला इल्म वाला हकमत वाला ए किताब ना गलूब करो ग़लूब का मतलब होता है हद से बढ़ जाना ज़्यादती करना मुबालगा करना जैसे कि ईसा सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया हालांकि अल्लाह ताला ने उनको रसूल बना के भेजा और वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं उसी तरह आप सल्लम भी रसूल है अल्लाह के बंदे हैं उनको जो है सो अल्लाह का नूर बना देना और इंसानों को जो है सो उसको उठाकर ज़्यादा पोजीशन दे देना अल्लाह के बराबर बना देना है तो अहल किताब ना ग़लू करो अपने दीन में और ना तुम कहो अल्लाह पर मगर हक यानी वही कहो जो हक है अल्लाह ताला ने ये कभी नहीं कहा कि अल्लाह का कोई बेटा है कोई सपोर्टर है मीडिएटर है कोई मददगार है तुम क्यों अल्लाह पर ना हक ऐसी बातें करते हो जबकि अल्लाह ने कभी नहीं कहा तो फिर तुम क्यों कहते हो कि अल्लाह का के मददगार है या फिर सपोर्टर है क्योंकि कभी अल्लाह ने यह नहीं कहा था बेशक मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल हैं और उसका क़लिमा डाला उसने उसको तरफ मरियम के और एक रूह थी उसकी तरफ बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूलों पर यानी कुन से पैदा हुए हैं और वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं खुदा नहीं है ना इनमें खुदाई सिफत है और ना तुम कहो के तीन हैं तीन हैं यानी इस ईसाइयों का अकीदा होली स्प्रिट वाला था कि फादर सन और होली स्प्रिट ऐसा तीन है रुक जाओ अच्छा है तुम्हारे लिए यानी गुलूफ से और शर्क से रुक जाओ बेशक अल्लाह ताला एक इलाह है पाक है वो के वो के हो उसके लिए कोई बेटा उसी के लिए है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है अल्लाह को बेटे की क्या ज़रूरत है जो कि जबकि आसमान और ज़मीन सब उसी का है और काफ़ी है अल्लाह का यानी एक रूह को अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के पेट में डाला और उसने और उसे ईसा सलाम पैदा हुए अल्लाह ताला के कल में कौन से वो पैदा हुए और अल्लाह ताला के वो बेटे नहीं हैं हमारे लिए लेसन क्या है किसी भी इंसान को उसके दर्जे से उठाकर अल्लाह के करीब के दर्जे पे ले जाना नहीं है क्योंकि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की होगी दुआ भी सिर्फ अल्लाह की की जाएगी यानी अल्लाह से ही की जाएगी वो भी किसी मीडिएटर के बग़ैर डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करना है या नबी मदद या अली मदद फिर ये भी जो है सो इसमें गुलब में होगा सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है दुआ सिर्फ अल्लाह कबूल करते हैं और सुनते हैं हरगज़ आर नहीं समझते यानी डिसरेस्पेक्टफुल आर मतलब समझना डिसरेस्पेक्टफुल समझना हरगज़ आर नहीं समझते मसीह अल्लाम के हो बंदे अल्लाह के और ना फ़रिश्ते मुकर्रब यानी वो कभी भी ये नहीं आर नहीं समझते थे कि वो फ़रिश्ते हैं या मुकर्रब है यानी ईसा आलम अल्लाह के बंदे हैं इसमें डिसरेस्पेक्ट नहीं है और फरिश्ते फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ बनाए वो खुद अल्लाह अल्लाह मुकर्रब बंदे हैं यानी वो अल्लाह के बंदे हैं वो खुद कंटिनसली अल्लाह की इबादत करते हैं यानी वो जो फरिश्ते मुखरब है वो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की कंटिन्यूस इबादत करते हैं तुम कैसे उनको अल्लाह की औलाद बनाते हो जबकि वो खुद अल्लाह की इबादत करते हैं और जो कोई आर समझेगा उसकी इबादत से और तकबर करेगा बस अनखीब वो जमा करेंगे उन उ, उनको अपनी तरफ सबको यानी मैं क्यों करूं ये तकबर है मैं रोज़े नहीं रहूंगी तो कुछ नहीं होगा पर्दा नहीं करूँगी तो कुछ नहीं होगा यानी पर्दा करने में शर्म महसूस करना ये आर समझना है वो तकबर में जो यानी जो भी तकबर में आ जाते हैं तो इंसान ये करता है कि मैं ये क्यों करूँ मैं वो क्यों करूँ ये अरे ये नहीं कर सकते हम हमारे लिए ये नहीं है हम तो मॉडर्न हैं इस तरह की जो सोच आ जाती है वो तकबर की वजह से आ जाती है या फिर शर्म आर समझने की वजह से आ जाती है लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे यानी सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है अमल अच्छे ज़रूरी करना है अच्छे अमल करना ज़रूरी है अच्छे अमल क्या है अकॉर्डिंग टू कुरान और अदिस यानी कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग अगर हम अमल करेंगे तो वो अच्छे अमल है बस वो पूरा देगा उनको उनके अज़र और ज़्यादा देगा उनको अपने फ़जल से और लेकिन वो लोग जो बेजार हुए और उन्होंने तकबर किया तो वो अजाब देगा उनको अजाब दर्दनाक और ना वो पाएगा पाएंगे अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त और ना कोई मददगार ए लोगों तहक़ीक आ चुकी तुम्हारे पास दलील तुम्हारे रब की तरफ से और नाजिल किया हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर यानी क्लियर लाइट कुरान एक नूर है लाइट है जिसकी रोशनी में हम सीधे सीधे डायरेक्ट जन्नत में जा सकते हैं तो उस उसान को फॉलो करना है तो लेकिन वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उन्होंने मजबूत पकड़ लिया किसको कुरान को उसको पसाननक्रीब दाखिल करेंगे किस में रहमत में अपनी तरफ से और और फजल में और रहमत और फजल हिदायत है जन्नत है और रहनुमाई करेगा उनकी अपनी तरफ सरात मुस्तकीम के ये हमको सरात मुस्तकीम के रास्ते रास्ता यानी कुरान की लाइट में ही मिल सकता है तो कुरान को फॉलो करना है फतवा मांगते हैं आपसे कह दीजिए अल्लाह ताला फतवा देता है तुमको कलाला के बारे में कलाला क्या है जिसका कोई वारिस ना हो अगर कोई शख्स फौत हो जाए नहीं उसका कोई बच्चा और उसकी एक बहन है तो उस बहन के लिए है आधा वो छोड़ जाए और वो खुद उस बहन के वारिस और नहीं अगर नहीं हुआ उस बहन का कोई बच्चा अगर कोई औलाद नहीं है माँ बाप नहीं है तो उसकी बहन के लिए उसकी विरासत में आधा है और औरत का लाला है तो उसका भाई पूरा माल का वारिस हुआ और मर्द का लाला है तो बहन उसके आधे माल की वारिस हुई फिर अगर वो दोनों हो दो तो उन दोनों के लिए है दो तिहाई यानी टू थर्ड उसमें से जो उसने छोड़ा और अगर हो वो कई भाई बहन मर्द और औरतें तो मर्दों के लिए मानंद हिस्सा है दो औरतों के वैसे ही जैसे टू इस टू वन इससे पहले लिए थे बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए कि भटक न जाओ और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है विरासत के अहकाम में से एक हुक्म यहाँ कला का आ गया अगर कलाला की एक बहन सगी या बाप की तरफ से हो तो आधा हिस्सा मिलेगा अकेला भाई हो वो वारिस होगा अगर बहन का बच्चा कोई बच्चा ना हो बहन दो या दो से ज़्यादा हो तो टू थर्ड तरका होगा बहन भाई दोनों हो तो टू इस टू वन होगा जैसे बेटा बेटी में लिए थे अल्लाह ताला क्लियरली विरासत के अहकाम बता रहे हैं ताकि हम यानी ताकि तुम भटको नहीं अल्लाह के रास्ते में इतनी स्ट्रिक्ट अहकाम आने के बाद भी इसका जो है सो मजाक बनाए हुए हैं आजकल कोई किसी का भी हक़ सही तरीके से नहीं देता यानी किसी का हक़ सही तरीक़े से यानी विरासत के जो अहकाम है उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो मजाक बनाना है सूर्य माह लेते हैं अब शुरू करते हैं उन सूरतों में से है जिसमें सबसे ज़्यादा अहकाम है इसमें सबसे ज़्यादा या अयूह लज़ीना की पुकार है अब हमें दिल के बंद दरवाज़े को खोल के सुनने की ज़रूरत है अब आमाल को कबूल करने की दुआ करके सूरत को शुरू करते हैं मोमिन की ज़िंदगी एक पाबंद ज़िंदगी है अखलमंद वो है जो अपने आप को अहद की रस्सी में बांध ले अल्लाह हमें आज़ादी दे के एक इम्तिहान में डाल दिया इंसान वो मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने विल पावर दी अपनी मर्जी से नेकी करे या ना करे आगे हम पढ़ेंगे हदय नजदैन हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखाए दिखा दिए चाहे नेकी करे चाहे बुराई करे सूर दहर में आता है चाहे तो शुक्रगुज़ारी कर ले अल्लाह की बात मान ले और चाहे तो ना शुक्री कर ले। लेकिन जो बंदा अपने आप को अल्लाह के अहद में बांध लेता है वो ख़ुद पर पाबंदियां लगाता है सूर्य माह में कुछ ऐसी ही पाबंदियों का तस्करा मिलेगा बात यह है कि इंसान आम हालत में अल्लाह के हुक्मों पे अमल तो कर लेता है लेकिन जब कोई गैर मामूली सिचुएशन पैदा हो जाती है तो इंसान एक नया इंसान बन जाता है हम आम हालत में अल्लाह के बंदे होते हैं लेकिन कोई ख़ुशी का मौका आता है या फिर कोई गम का मौका आता है तो क्या हम उस वक्त अहद की रस्सी में पाबंद होते हैं कि नहीं ये ख़ुद अपने से यानी ये खुद अपने आप से पूछना है यानी अपने आप से को चेक करना है किसी दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं ये अपने आप को ही चेक कर लेना है और अपने आप से ही पूछ लेना है जब इंसान किसी से खुश होता है तो उसके साथ अच्छा मामला करता है, है ना लेकिन किसी से नाराज़ होता है तो क्या करते हैं ये इम्तिहान है ये सारे मौके इम्तिहान के पेपर्स हैं ये रमज़ान का जो महीना है ये इंसान के ग्राफ को चेक करने का महीना है यानी हमारे ग्राफ को चेक करना है मायदा का मतलब होता है ए टेबल सेट विथ फूड या दस्तरखान ईसा सलाम के कॉम ने बतौर निशानी ये पांगा था तो यह मायदा उतरा था उनके पास उसका जिक्र इस सूरत में है जिसकी वजह से इसका नाम सूरतुल सूरतमादा पढ़म रहीम ऐ लोगो जो ईमान लाए हो पूरा करो अहदों को पैमान को यानी अब क्या अहद है सबसे पहले ला इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह नहीं कोई इला मगर अल्लाह यानी अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है अल्लाह के हर हुक्म पे झुक जाना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे हमारे लिए और प्रैक्टिकली करके बताए हैं और हमें चाहिए कि अल्लाह और रसूल की इताअत करें यानी हमें पूरे कुरान और सुन्नत पे अमल करना है अल्लाह ताला हम सब को आ, आतियौ आतियौ रसूल आ, बना दें आमीन हलाल किया गया तुम्हारे लिए चौपाए मवेशियों में से मवेशी में से मगर जो पढ़े जाए तुम पर नहीं हलाल करने वाले शिकार को हालांकि तुम अहराम में हो बेशक अल्लाह फैसला करता है जो वो चाहता है हर किस्म के मवेशी हलाल किए गए हैं क्योंकि कुफ़ार क्या करते थे बुतों के नाम पे छोड़कर उनको हराम कर देते थे तो हर किस्म के मवेशी हलाल है सिवाय कुछ के आ, आगे आएंगे आएगा किन चीज़ों को हराम बताया गया है ए लोगों जो ईमान लाए हो ना तुम हलाल करो हल, हालत अहराम में शिकार करना हराम है ये यहाँ पर बताया गया व तुम हुरम यानी हालांकि तुम अहराम में हो हालत एहराम में शिकार करना हराम है आ, तो ए लोगो जो ईमान लाए हो ना तुम हलाल करो निशानियों को अल्लाह की और ना महीने को हराम और ना कुर्बानी के जानवरों को और ना पट्टे वाले जानवरों को पट्टे वालों को और ना इरादा करने वाले बै, बैत हराम का आ, बैत बैत हराम का वो चाहते हैं फजल अपने रब की तरफ से और रजामंदी और जब हलाल हो जाए तुम्हार हो जाओ तुम तो तुम शिकार तो तुम शिकार करो और ना आमदा करे तुमको दुश्मनी किसी कौम के के उन्होंने रोका तुमको मस्जिद हराम से कि तुम ज्यादती करो और तावन करो नीकी और तखबे पर और ना तुम तान करो गुनाह पर और ज्यादती के कामों पर और डरो अल्लाह से बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि हालत अहराम में शिकार नहीं करना है दूसरा अल्लाह की निशानियाँ क्या है खाने खाने काबा है सफ़ा मरवा है जमज़म है और हज के जो आमाल है उन तमाम की हुरमत को कायम रखो पूरे अहकाम के साथ हज करो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं तीसरा कुर्बानी के जो जानवर होते हैं जो हज में कुर्बानी देना है उनको मक्के में ही जाकर कुर्बानी करना है। कुर्बानी दो बीच रास्ते में यानी यहाँ यानी जो कुर्बानी का दिन है उससे पहले कुर्बानी मत करो जुबा मत करो ये बताया जा रहा है यहाँ पर एक ब्यूटीफुल हिस्सा है वावनब्री व तकवा वाला तावन अलस्मी वनिता करो किस पर नेकी और तखबे पर और ताउन ना करो गुनाह पर और ज्यादती के कामों पर ये बहुत ही ब्यूटीफ़ुल ब्यूटिफुल्स है अल्लाह की इतात और नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो ये है दुश्मनी के जोश में जो है सो ज़्यादती ना करो और ताउन नेकी में मदद करो हराम किया गया तुम पर मुर्दार सही तरीके से ज़ुबा नहीं किया गया तो और खून और गोश्त खर के और जो पुकारा गया वास्ते गैर अल्लाह के उसको और गला घोट घुट कर मरने वाली और चोट खा कर मरने वाली और ऊपर से गिर कर मरने वाली और टक्कर खाकर मरने वाली और जो खा जाए दरिंदा मगर ज़ुबा कर लिया तुमने और जो ज़ुबा किया गया आस्थानों पर यहाँ पर जो है सो हराम जानवर आ, क्या क्या है ये बताया गया ये हराम किए गए वो जानवर हैं मुर्दार एक्सेप्ट मछली टिड्डी उसको छोड़ के सारे मुर्दार जानवर हराम हैं खून बहता हुआ ना के उ, यानि बहता हुआ खून वो हराम है तिल्ली और कलेजी अलाउड है का गोश्त चर्बी बाल उसकी हर चीज़ ह, आ, हराम है अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से ज़ुबा करना या गैर अल्लाह को खुश करने ज़ुबा किया गया वो सब हराम है गला घूट कर मरने वाले जानवर और टक्कर खाकर मरने वाले जानवर जिससे किसी दरिंदे ने खाया हो मरने से पहले ज़ुबा कर लिए तो खा सकते हैं जो ज़ुबा किया गया यानी नसुभ आस्थानों पर यानी बुतों पर जो ज़ुबा किया गया वो भी हराम है और ये कि तुम किस्मत तलब करो मालूम करो तीरों के ज़रिए ये सब काम नाफरमानी के हैं यहाँ पे जो है सो फाल देखना हराम है आजकल ये सोसाइटी में इतना कॉमन हो गया औरतें जो है सो किसी भी आमल के पास पहुँच जाती हैं और कहती है कि फाल निकालो बताओ चोरी किसने की या ये काम किसने किया फल फाल निकालना हराम है कोई भी ग़ायब की बात नहीं बता सकता है ये अच्छे से याद रखिए रिश्ता सही है या नहीं है उसके लिए भी फॉल निकालते हैं तो उसके लिए इस्तखारा की नमाज़ पढ़िए और ये भी गौर से सुनिए नमाज इस्तखारा पढ़ने के बाद कोई भी ख्वाब में नहीं आता या ख्वाब में कुछ दिखता या नज़र आता ऐसा कुछ भी नहीं है ये सब गलत बातें हैं नमाज इसतखारा पढ़ने के बाद वह काम बेहतर है तो ख़ुद ब खुद आसान हो जाता है और बेहतर नहीं है तो ख़ुद ब खुद वो हमसे दूर हो जाता है और मुश्किल हो जाता है वो काम करना तो अल्लाह पे तवक्ल करके छोड़ देना है क्योंकि फ़ाल निकालना हराम है फ़ाल निकालना बहुत हराम है और इस्तारा में कोई ख़्ब वॉब नहीं आता सिर्फ नमाज पढ़ना है और फिर वो काम हो जाता है आसान तरीके से हो जाता है अगर वो खैर है अगर ख़ैर नहीं है तो वो नहीं होता मुश्किल हो जाता बस इतना ये यकीन रखना है आज मायूस हो गए वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तुम्हारे दीन से बस ना तुम डरो उनसे और डरो मुझसे आज मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को और मैंने तमाम कर दी तुम पर अपनी नियमत और मैं राज़ी हो गया तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन ये हजरतलिदा के वक्त पढ़ी गई थी तब बहुत सारे सहाबा क्राम आए थे और दीन इस्टेबलिश हो गया था तो आप के आखिरी दिनों में यह आयत नाजिल हुई थी तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं तो इस्लाम के अलावा कोई और दिन एक्सेप्ट नहीं होगा ये अल्लाह ताला बता रहे हैं और तो जो कोई मजबूर किया जाए भूख में से ना मेलान रखने वाला गुना की तरफ तो बेशक अल्लाह ताला रहीम है अगर किसी ने ज़बरदस्ती हराम खिला दिया तो दुश्मनी की वजह से या फिर इतनी भूख प्यास यानी खाने की इतनी भूख है कि कुछ खाने को नहीं है यानी वो चीज़ वो खाना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी में यानी उसकी कंडीशन ऐसी हो गई कि खाने को कुछ नहीं है वो खाना ज़रूरी हो जाता है तो भी वो बिल्कुल थोड़ा सा यानी एक जिंदा रहे उतना खाना है ऐसा पेट भर कर भी नहीं खाना है तो वैसे लोग फिर भी जैसा वो खा जब अलाउड है मगर बिल्कुल थोड़ा वो भी कुछ नहीं है मरने के करीब है तब की बात है वो 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 सवाल करते हैं आपसे क्या कुछ हलाल किया उनके लिए कह दीजिए हलाल किया हलाल की गई तुम्हारे लिए पाकिज़ा चीज़ें यानी हराम चीज़ें अल्लाह ताला बता दिए बाकी सारी चीज़ें पाक है हराम क्या क्या है वो तो बता दिए ना तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पाक है और जो सिखाया तुमने शिकारी जानवरों को शिकार की तालीम देने वाला तुम सिखाते हो उसको उसमें से जो सिखाया तुमको अल्लाह ने तो खाओ तो उसमें से जो वो रोक ले तुम पर और याद करो नाम अल्लाह का इस पर यानी जो ट्रेन जानवर जो शिकार करके लाते तो वो खाते नहीं वो पकड़ते वो पकड़ के लाते तो जो ट्रेन जानवर रहते उनको जो छोड़ते हैं यानी शिकार करने के लिए जब छोड़ते तो अल्लाह का नाम लेके छोड़ो जैसे शिकारी कुत्ते हैं उनको जो है अल्लाह का नाम लेके छोड़ दो तो वो कुत्ते जानवर को पकड़ के लाते हैं वो खाते नहीं तो वैसे जानवर हलाल है और डरो अल्लाह से बेशक अल्लाह ताला जल लेने वाला है हिसाब आज हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए पाकिजा चीज़ें और खाना उन लोगों का जो दिए गए किताब हलाल है तुम्हारे लिए और खाना तुम्हारा हलाल है उनके लिए और महफूज औरतें मोमिनत मु, में से यानी अहल किताब का खाना हलाल है क्योंकि वो भी अल्लाह का नाम लेते हैं तो इस चीज़ का जिक्र है यहाँ पर अब यहाँ पर जो है और महफूज औरतें मोमिनात में से यानी ईमान वालियों में से और महफूज़ औरतें उन लोगों में से जो दिए गए किताब तुमसे पहले जब तुम दे दो उनको उनके महर यहाँ पर मुसलमान मर्दों के लिए है कि अहले किताब की औरतों से निकाह की परमिशन दी गई है दी गई है लेकिन बेहतर है कि ना करे क्योंकि ख़ास तौर से नस्ल पे इफेक्ट होगा ऐसी औरतों को प्रेफर करो जो पाक दामन औरतें हैं घर बसाने वाली औरतें हैं अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अहले किताब से निकाह हलाल है मुशरिक से तो बिल्कुल भी हराम है और औरतों के लिए तो अहले किताब मर्द से भी हलाल नहीं है आ, लेकिन मर्द के लिए अलाउड है लेकिन आ, करो तो कैसे करो इस्लामिक तरीक़े से करो महर अदा करो अजवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए करो जिना के इरादे से मत करो क़ायदे निकाह में लाने ना ना जिना करने वाली और ना बनाने वाली छुपे दोस्त यानी और ऐसी औरत से मत करो जो निकाह के बाद भी वो छुपे दोस्त बनाए और जो कोई इनकार करे ईमान का तो तहकी ज़ाया हो गया अमल उसका और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा यानी जो भी इनकार करेंगे तो उसके अमल सारे ज़ाया हो जाएंगे और आख़िरत में वो खसारा पाने वालों में से होगा ए लोगों जो ईमान लाए हो जब खड़े हो तुम नमाज की तरफ तो धो लो अपने चेहरों को और अपने हाथों को आ, कोनियों तक और मसा करो अपने सरों का और अपने पाओं को टखनों तक और अगर हो तुम जनाबत में तो की हासिल करो और अगर हो तुम बीमार या ऊपर सफ़र के तो आ, या आए कोई एक तुम में से रफ हाजत को या हाथ लगाया तुमने छुआ औरतों को फिर ना तुम पाओ पानी तो तयमुम कर लो मट्टी से पाक फिर मसा करो अपने चेहरे को और अपने हाथों को उससे नहीं चाहता अल्लाह के बना दे तुम पर कोई तंगी लेकिन चाहता है कि पाक कर दे तुमको और ताकि पूरी कर दे नेमत अपनी तुम पर ताके तुम शुक्र अदा करो यहाँ पर नमाज के लिए वजू का हुकुम है वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है फिर दोनों हाथों को तीन बार धोना है हथेलियां और उंगलियों के बीच में भी धोना है मुंह में तीन बार कुल्ली और नाक साफ करना है फिर पूरा चेहरा तीन बार धोना है पहले राइट आम कोनीम तक धोना है और फिर लेफ़्ट आम कोनीों तक तीन बार धोना है सर का मसा पेशानी से पीछे और फिर वापस मसा करके अंगूठों से कान के पीछे साफ करें और इंडेक्स फिंगर से कान के अंदर पहले राइट लेग फिर लेफ्ट लेग धोना टखनों तक तीन बार वज़ू के बाद की दुआ फिर पढ़ना है फिर जनाबत के लिए गसल तयम का हुक्म फिर अहकाम में सहूलतें जो दी अल्लाह ताला ने आसानियों पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है यानी इतना आसान है अगर पानी नहीं है तो मिट्टी से इससे पहले हम ले चुके हैं कि कैसा मसा करना है मिट्टी से तैमुम कैसा करना है और याद करो नेमत को अल्लाह की तुम पर और उसका वादा जो वो उसने बांधा है तुमसे तुम से उसको जब जब कहा तुमने सुना हमने और इताद की हमने और डरो अल्लाह से बेशक अल्लाह ताला जाने वाला है सीनों के भेद ऐ लोगों जो ईमान लाए हो हो जाओ निगहदाश्त करने वाले अल्लाह के गवाह इंसाफ के साथ यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसाफ के साथ गवाही दो और न आमदा करे तुमको दुश्मनी यानी किसी की दुश्मनी की वजह से तुम उनके साथ नाइंसाफ़ी मत करो एक कौम की दुश्मनी एक कौम की इस बात इस बात पर के ना तुम अदल करोगे अदल करो वो ज़्यादा ख़रीब है तखवे के और डरो अल्लाह से बेशक अल्लाह ताला खबर रखने वाला है साथ उसके जो तुम अमल करते हो वादा किया ने उन लोगों से जो ईमान लाए और अमल किए अच्छे उनके लिए बख्शिश है अजर अजीम है यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है किसके लिए अजर अजीम है ईमान लाए और अमल किए अच्छे गुना करते जाओ करते जाओ फिर अल्लाह कफूर रहीम है ऐसा नहीं सोचना है अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं जो ईमान लाए और अमल किए अच्छे उनके लिए बख्शिश है अजर अजीम है और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और झुटलाया हमारी आयत को यही लोग साथी हैं जहन्नुम के यानी अल्लाह की आयतों को जो झुटलाते हैं वो जहन्नम के साथी हैं ऐ लोगों जो ईमान लाए हो याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर है जब इरादा किया एक कौम ने के फैलाए तुम्हारी तरफ अपने हाथों को तो उसने रोक दिया अपने हाथों को तुम में से और डरो अल्लाह से और अल्लाह पर बस चाहिए कि तवक्कल करे ईमान लाने वाले बहुत सारे दुश्मन जो है सो आप के ऊपर और मुसलमानों पर हमला करना चाहते थे लेकिन अल्लाह ताला उनके ऊपर ऐसा रौब उन पर डाला कि वो लोग जो है सो मुसलमानों पर हमला करने से रुक जाते एक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने काफिरों के हाथों को रोक दिया है और अल्लाह ताला उस चीज़ का यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं दुश्मन काफ़िर चाहते हैं कि मुसलमान को कत्ल कर दे ख़त्म कर दे लेकिन उनको कोई चीज़ है जो रोकती है ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह से डरो और तवक्कल करो क्योंकि ये बहुत बड़ी रहमत है और अलबत्त तहकीक अल्लाह ने लिया पुख्ता अहद बनी इसराइल से और मुखर किया हमने उनमें से बारह नकीब निगरान और फरमाया अल्लाह ताला बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ अलबत् अगर क़ायम करो तुम नमाज और अदा की तुमने जक़ात और ईमान लाए तुम मेरे रसूलों पर और मदद की और खर्च दिया तुमने अल्लाह को खर्च हंसना अलबत् मैं ज़रूर दूर कर दूँगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को यहाँ पर जो है सो बारह नखीब से मुराद याक़ूब आसम के बारह बेटे थे फिर बारह बेटों में बारह कबीले थे हर कबीले के एक सरदार था तो अल्लाह ने अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि लीडर को मुखरर किया और उसके बाद फरमाया अल्लाह तुम्हारे साथ है कब है ये अल्लाह ताला क्यों बताए हम इससे लेसन ले अल्लाह ताला का साथ तब मिलता है जब हम नमाज अदा करते हैं सिर्फ़ अदा नहीं नमाज क़ायम करते हैं जब ज़क़ात देते हैं रसूलों पर ईमान लाते हैं कर्ज हसना देते हैं यानी दीन की मदद के लिए दीन फैल फैलने के लिए दीन इस्टैब्लिश यानी दीन को फैलाने के लिए दीन को इस्टैब्लिश करने के लिए तुमने माल कितना ख़र्च किया है ये देखना और अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तुम ये काम करोगे तो मैं दूर कर दूँगा तुमसे तुम्हारी बुराइयों को यानी हमसे कोई कमी कोताही हो जाए तो उसको अल्लाह दूर कर देंगे और अलबत्तः मैं ज़रूर दाखिल करूंगा बागों में बहती हैं उनके नीचे से नहरें जो लोग ये काम नहीं किए तो क्या वो जन्नत में ये सोचने वाली बात है अगर जो ये काम करेंगे वो जन्नत में जाएंगे तो जिसने कुफ्र किया बाद इसके तुम में से तो वो भटक गया इतदाल की राह से यानी सीधे राह से वो भटक गया पसभावे उसके उसने उनके तोड़ने के उनके अहद को यहाँ पर अल्लाह ताला का जो अहद है सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लिए थे कि ला महमदर रसूलुल्लाह जिसने अल्लाह का अहद को तोड़ दिया लानत की हमने ऊपर लानत क्या है अल्लाह की लानत अल्लाह की रहमत से दूरी लानत की हमने उन पर और बना दिया हमने उनके दिलों को सख्त जब दिल सख्त हो जाते हैं तो कोई चीज़ ऑब्जॉर्व नहीं करती यानी कोई हिदायत अंदर नहीं जाती दिल के और वो फेर देते हैं कलाम को उसकी जगह से और वो भूल गए एक हिस्सा उसमें से जो वो याद कराए गए और ना हमेशा तुम इ, इतला पाते ऊपर एक अयानत से उनकी मगर बहुत थोड़े उनमें से माफ कर दीजिए उनको और दर गुजर कीजिए बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है महसिन से यानी है एहसान करने वालों से अहल किताब की कायनत क्या है उनके पास अल्लाह के मैसेज आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं उन लोगों ने ये मैसेज में क्यात की तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अब छोड़ दो उनको और अल्लाह ताला मोहब्बत रखते हैं मुहसिनीन से एहसान क्या चीज़ है अपने हक़ से कम लेना सामने वाले का का जो हक़ है उससे ज़्यादा देना यानी जो हक़ हाँ उसका है उसको उससे ज़्यादा देना हक़ हाँ अदा करना हक़ हाँ नहीं देना वो जुल्म है हक़ हाँ से ज़्यादा देंगे वो एहसान है महसिन में ब्यूटीफुली अमल करना भी आता है हम एहसान और मोहसिन के बारे में बहुत बार ले चुके और उसको अच्छे से याद कर लेना है और हमको मोहसिन और मोहसन बनना है या, यानी मुहसिन एहसान करने वाला बनना है और उन लोगों में से जिन्होंने कहा बेशक हम नशा लिया हमने पुख्ता अहद उनसे तो वो भूल गए एक बड़ा हिस्सा उसमें से जो वो नसीहत किए गए उसको तो डाल दी हमने उनके दरमियान अदावत और बुक्स क़यामत के दिन तक और बताएगा उनको अल्लाह ताला बवजे उसके थे वो वो क्या करते आ, आ, किताब तहक़ीक़ आ चुकी तुम्हारे पास हमारा रसूल तो बयान करता है तुम्हारे लिए बहुत कुछ उसमें से जो थे तुम तुम छुपाते किताब में से और वो दरगुजर कर जाता है बहुत कुछ से तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से रोशन और किताब वाज़े यानी कुरान आ गई और आप सुम आ गए ये सब उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला क्या करें उनके आपस में बगज़ डाल दिए हमेशा के लिए जो नसीहत की है वो भूल गए तो अदावत डाल दिए फिर आज हमारा वही हाल है कुरान और सन्नत को भूल गए तो कोई अहल अहदीस हो गया तो कोई तबलीगी जमात करके अलग हो गया कोई शाफ़ाई कोई हम्बल फिर एक एक जमात में भी डिविजन्स हो गए ये तो तफरी हो गया अजाब है ये अल्लाह का हमें यानी ये अल्लाह की तरफ से अजाब है हमें चाहिए कि एकजुट हो जाए एक बेहतरीन उम्मत बने यूनिटी कायम करना है सारे लेबल्स को अपने पे से हटाना है हटाकर कुरान और सुन्नत को पकड़ना है तब ये लेबल हटेगा हिदायत देता है साथ उसके अल्लाह जो इतबा करे उसकी रज़ा का रास्ते की तरफ सलामती के और निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ अपने इज्न से और हिदायत देता है उनको रास्ते की तरफ सीधे यकीन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह मसी वो इब्न मरियम है कह दीजिए यानी नौजबिल्ल ईसा सलाम को अल्लाह बनाते हैं यानी ईसा सलाम को अल्लाह का दर्जा दे दिए अगर अल्लाह ताला इरादा कर ले तो हजरत मरियम ईसा सलाम सबको भी जो है सो ज़मीन में सबके सबको हलाक कर दे यानी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है अल्लाह ताला जो है सो उनको बनाया है तो उनको अल्लाह का दर्जा देना ये ग़लत है कह दीजिए तो कौन मालिक होगा अल्लाह से किसी चीज़ का अगर उसने इरादा किया कि हलाक कर दे मसीह को मसीह इब्ने मरियम को और उसकी माँ को और जो भी ज़मीन में है सब के सब को अल्लाह ताला अगर सलाम को भी बिना बाप के जब पैदा कर सकते हैं तो वो ये सब कर सकते हैं यानी सबको ख़त्म भी कर सकते हैं सबको पैदा भी कर सकते हैं अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं और अल्लाह के लिए है बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की और जो उन दोनों के दरमियान है उन सब की और पैदा करता है जो वो चाहता है अल्लाह ताला जो चाहता है वो पैदा करता है और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है और कहा यहूद ने और नसारा ने हम बेटे हैं अल्लाह के और उनके प्यारे यहूद और नसारा क्या कहे कि कह हम बेटे हैं अल्लाह के और प्यारे कह दीजिए बस क्यों वो अजाब देगा तुमको को तुम्हारे गुनहों के बल्कि तुम तो एक इंसान हो उनमें से जिन जिनको उसने पैदा किया यानी तुम भी दूसरे इंसानों की तरह इंसान हो वो बख्श देता है जिसको चाहता है और वो अजाब देता है जिसको चाहता है और अल्लाह के लिए बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की और जो उन दोनों के दरमियान है और उसी की तरफ़ है लौटना है अहल किताब तहलीक़ आ गया तुम्हारे पास रसूल हमारा तो बयान करता है तुम्हारे लिए एक वक्फे के बाद रसूलों के कहीं तुम ये ना कहो नहीं आए हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला और ना कोई डर डराने वाला पास तहलीक आ चुका तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला और अल्लाह ऊपर हर चीज़ के कदिर है यानी तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई आए नहीं थे डराने वाले कोई नहीं ये मत कहो तुम्हारे पास डराने वाले भी आए रसूल भी आए खुशखबरी देने वाले भी आए और आ, हर चीज़ पे अल्लाह ताला ख़ादिर है और जब कहा मूसा सलाम ने अपनी कौम से ए मेरी कौम याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम हाँ तुम पर है और जब उसने बना ब, बनाया तुम में अम्बिया और बनाया तुमको बादशाह और दिया तुमको जो नहीं दिया उसने किसी एक को तमाम जहान वालों में से अम दाखिल हो जाओ ज़मीन में मुकदस वो जो लिख दी अल्लाह ने तुम्हारे लिए और ना तुम फिर जाओ अपनी पीठों पर तुम लौट जाओगे खसारा पाने वाले अल्लाह ताला यहाँ पे नेमतों को याद करने की बात की इंसान जो है सो नेमतों को याद करता है तो वो खुशी महसूस करता है और अच्छे अच्छे काम करने का जज्बा उसके में पैदा होता है अगर उसका उलट सोचे यानी वो ये सोचे मेरे पास तो कुछ नहीं है मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है दूसरों के पास दूसरों से खुद को यानी उसके पास ये है उसके पास वो है मेरे पास ये नहीं है तो यानी खुद को जो है सो दूसरों से कंपेयर करते रहता है तो उसके पास ये वो है मेरे पास ये नहीं ये फिर वैसे लोग उसी में पड़े रहते यानी ये सारी चीज़ें उसी में उनके हो जाती नबी की बेबसी देखिए इतने अखलास से दीन की तरफ जब अयम रोम दाखिल हो जाओ ज़मीन में मुकदस वो जो लिख दी अल्लाह ने तुम्हारे लिए और ना तुम फिर जाओ पर अपनी पीठों पे तुम लौट जाओगे खसारा पाने वाले यानी फिर यहाँ पर जो है थक गए अपने कौम को समझाते समझाते उनके भाई हारून हारून सलाम उनके साथ देते हैं देते थे और उन्होंने कहा मूसा बेशक उसमें एक कौम ज़बरदस्त और बेशक हम हरगिज़ ना हम दाखिल होंगे यहाँ तक कि वो निकल जाए उसमें से फिर अगर वो निकल जाए इसमें से तो बेशक हम दाखिल होने वाले हैं यानी यहूदियों को फ़लस्तीन की ज़मीन में दाखिल दाखिले का हुक्म हुआ और उनकी बुजदली ये थी कि वो दाखिल नहीं होंगे बल्कि यानि वो डरते थे वो दाखिल नहीं होना चाहते थे कहा दो लोगों ने यानी कोई दो लोग थे हो सकता बिन नून और कालिब बिन यूफ़ा हो सकते हैं ये लोग हिम्मत बंधा रहे हैं कि फिर भी ये सुनना सुनना ही नहीं चाहते थे कहा उन दो लोगों ने उनमें उन लोगों में से वो डरते थे इनाम किया था अल्लाह ने उन दोनों पर दाखिल हो जाओ उन पर दरवाज़े से फिर जब दाखिल हो जाओ तुम उसमें तो बेशक तुम दकाली पाने वाले हैं और अल्लाह पर बस तवक्ल करो और अगर हो तुम ईमान लाने वाले उन्होंने कहा अय मूसा बेशक हम हरगिज़ ना दाखिल होंगे उसमें आ, कभी भी जब तक के वो रहे उसमें बस तुम जाओ तुम भी और तेरे रब भी देखे लोगों की कितनी हडदर मी और कितनी ज़िद थी वो आ, तो दोनों जंग करें यकी हम इस जगह बैठने वाले हैं कहा अय मेरे रब बेशक मैं नहीं मालिक मगर अपनी जान का और अपने भाई का यानी हारून सलाम के बारे में उन्होंने कहा मेरे भाई का पश जुदाई हमारे दरमियान और दरमियान कौम के फास फरमाया पश बे, वो हराम कर दी गई उन पर चालीस साल तक मारे मारे फिरेंगे यानी गुनाह की वजह से नेमतों का जवाल होता है तो वो चालीस साल तक मारे मारे फिरेंगे ज़मीन में जिहाद का इनकार करने की वजह से वो जो है सो चालीस साल तक उसमें उस जमीन में रहे फसना तुम अफसोस करो कौम पर फासिख और पढ़िए इन पर ख़बर आदम के दो बेटों के हक के साथ जब दोनों ने कुर्बानी की एक कुर्बानी तो कबूल कर ली गई उन दोनों में से एक से और ना नाकबूल की गई दूसरे से उसने कहा मैं ज़रूर कतल करूँगा तुझको बोला बेशक कबूल करता है अल्लाह तखवा वालों से यहाँ पे हाबिल और काबिल का किस्सा है आदम आम के दो बेटे थे इसकी यानी दो बेटों का इसके ज़्यादा जो सो इसके जो डिटेल्स है कुरान में नहीं मिलते रिवायतों से ये पता चलता है कि आदम की शरीय में ये था कि एक साथ दो लड़का लड़की पैदा होती तो वो भाई बहन होंगे खाबिल खा, की शादी जो काबिल की बहन से होनी थी लेकिन काबिल अपनी बहन से ए, करना चाहता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी उससे करना चाहता था तो दोनों में इस वजह से बहस हुआ था तो ये कि अब दोनों ने अल्लाह के पास एक कुर्बानी रखी आसमान से आगा दी इससे क्या पता चलता है हम कोई भी काम अल्लाह के लिए करें चाहे कुर्बानी हो या अगर तक चाहे वो कोई कुर्बानी हो अगर तखवा है तो वो कबूल होगी आमाल में तखवा अल्लाह की रहमत होती है इस वाक़े से ये पता चलता है कि इंसान तबीयत के अतबार से कातिल नहीं होता लेकिन हसत ऐसी चीज़ है इसका जज्बा बुरा है जो भाई को भाई के खतल करने के लिए तैयार हो जाता है अल्लाह हमें इन सब चीज़ों से बचा के रखे आमीन आलमी अगर आपको हमारे लेक्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين